दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक। आपने पिछला वीडियो देखा होगा, उसी वीडियो का कंटिन्यूशन है ये। MBBS कॉलेज विदेश में, फॉरेन कंट्री में कैसे राइटली आप सेलेक्ट करें। तो मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए थे और एक कॉलेज और एक कंट्री भी सजेस्ट किया था। फिलीपींस में दवाओ मेडिकल कॉलेज सजेस्ट किया था मैंने आपको, तो उसका मैं कंटिन्यूशन देता हूँ। ऑब्वियसली आप लोग ऐसा कॉलेज सेलेक्ट करेंगे जो कि MCI WHO अप्रूव्ड हो। तो दवाओ मेडिकल कॉलेज इज़ MCI and WHO अप्रूव्ड। और उसके अलावा आप ये भी ज़रूर देखेंगे कि किस कॉलेज में MBBS कितने कम टाइम में ख़त्म हो रहा है। कुछ कॉलेजेस, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे आप 6 साल में कंप्लीट करेंगे, फिर अलग से इंटर्नशिप करेंगे। कहीं पे आप 5 साल में ख़त्म करेंगे, फिर इंटर्नशिप करेंगे, और कहीं पे आप 5 साल के अंदर ही इंटर्नशिप ख़त्म करेंगे। और उस इंटर्नशिप की वैलिडिटी इंडिया में है या नहीं वो भी चेक करना है। आपने इंटर्नशिप वहाँ तो कर लिया, इंडिया वापस आकर के फिर से आप इंटर्नशिप करेंगे, उस पर पैसा अलग खर्चा करेंगे। तो मान लीजिए आपने 6 साल कहीं पे लगाए, आपने वहाँ पे इंटर्नशिप किया, फिर यहाँ पे आकर के वापस से 1 साल इंटर्नशिप, टोटल 7 ईयर्स। सो टाइम ऑल्सो मैटर्स। आपने करीब करीब 7 साल MBBS ख़त्म करने में लगा दिए। तो ऐसा कॉलेज सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे कि 5 साल में इंक्लूडिंग इंटर्नशिप आप MBBS ख़त्म करते हैं। फिलीपींस में दवाओ मेडिकल कॉलेज में 5 ईयर्स में आपका इंक्लूडिंग इंटर्नशिप ख़त्म होता है, और इस इंटर्नशिप की वैलिडिटी इंडिया में भी है। इंडिया आकर के वापस से आपको इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। उसके अलावा काफ़ी सारे वीडियोस में आपको देख करके थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता होगा। लोग बोलते हैं कि NMAT करके कुछ चीज़ है, NMAT में अगर आप लोग क्लियर नहीं हुए तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। इस तरीके के मिसकंसेप्शंस मत रखिए। और इनफैक्ट मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हैं तो आपके बच्चे को इस तरीके से तैयार किया जाए कि उसको किसी एग्जामिनेशन का फियर ना हो, उसको उस एग्जामिनेशन को फेस करने का कॉन्फिडेंस डेवलप हो। तो कॉलेज में इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि आगे कोई भी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे US में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो MCI का हो, चाहे USMLE हो। MCI तो अभी ख़त्म हो रहा है, NMC आ रहा है, नेशनल मेडिकल कमीशन, उसका एग्ज़ाम रहेगा NEXT, नेशनल एग्जिट टेस्ट। चाहे वो एग्ज़ाम क्यों ना हो, उस एग्ज़ाम को क्लियर करने का कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए। तो दवा मेडिकल कॉलेज में हर तरीके का एग्ज़ाम क्लियर करने का कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं हम लोग। NMAT से डरने की ज़रूरत नहीं है, NMAT ईजिली हर कोई क्लियर कर लेता है। आपको हर सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी देना होता है, वो भी आपको क्लियर करना होगा। अगर आप एग्ज़ाम से डरेंगे तो फिर किसी भी तरीके की कोई भी पढ़ाई आपके लिए नहीं है। और दवा मेडिकल कॉलेज में NMAT में अपीयर होना काफ़ी है, क्लियर होना ज़रूरी नहीं है। आपने अगर अपीयर किया है स्टिल दैट्स ओके, सो डोंट फियर अबाउट दैट। एंड हमारे स्टूडेंट्स मैक्सिमम NMAT क्लियर करते हैं। तो लोग काफ़ी सारे नेगेटिव बोलते हैं NMAT के बारे में, डोंट गो ऑन दोस रिव्यूज़। ओके, स्टडी इन राइट कॉलेज वे यू डेवलप कॉन्फिडेंस टू क्लियर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। तो इंटर्नशिप के बारे में एक हो गया, NMAT के बारे में एक हो गया, और उसके अलावा जो है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस कॉलेज में जो फैकल्टीज़ हैं वो कितने नॉलेजेबल हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। तो वहाँ पे जो है सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं, थ्योरेटिकल के अलावा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, ग्रुप डिस्कशंस के, प्लस वहाँ पे जो TLCs हैं, टीम लर्निंग सेंटर्स, इनके ऊपर काफ़ी कॉन्सनट्रेट किया जाता है। वहाँ की लाइब्रेरीज, ई लर्निंग सेंटर प्लस जो फिज़िकल लाइब्रेरी है वो भी काफ़ी स्टैंडर्ड की है, ये भी आपको एक देखना है। प्लस से एक चीज़ होता है मैनिक्विन सिमुलेशन लैब, ये जो है अभी तक इंडिया में तो नहीं है, फॉरेन कंट्रीज़ में भी, एशिया में सिर्फ 2 ही जगह है, सिंगापुर में और फिलीपींस में दवाओ मेडिकल कॉलेज में। तो ये चीज़ जो है मैनिक्विन, यानी कि एक टॉय टाइप का होता है जिसमें कि आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से डिजीज़ इसमें इफ़ेक्ट करती है, किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम फिज़िकल कैडवर्स जो डेड बॉडीज़ होती हैं, उसके अलावा मैनिक्विंस के ऊपर भी एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको देखनी है। दवा मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मैंने आपको पिछली बार कहा था कि MCI का पासिंग परसेंटेज, FMG का, इसका रेशियो दवा मेडिकल कॉलेज का इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन ऑल द एशियन मेडिकल कॉलेजेस। सो ये चीज़ें तो मैंने बता दी। और एक चीज़ लोग जो काफ़ी देखते हैं वो है सेफ्टी वाइज, खासकर जो अपनी बेटियां भेजते हैं उनके लिए, सेफ्टी वाइज भी दवाओ सिटी इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी। प्लस वी ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन इन आवर हॉस्टल्स, प्रोवाइडिंग देम
सेफ्टी एंड इंडियन फूड ओवर देयर. तो सेफेस्ट सिटी होने के अलावा वी ऑल्सो पर्टिकुलरली टेक केयर इन दवाओ मेडिकल कॉलेज वेयर दे आर स्टेइंग, वी आर अवरसेल्व्स टेकिंग केयर ऑफ देम. सो दवा मेडिकल कॉलेज जो है ये एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा. यहाँ पे सेफ्टी वाइज भी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. तो दोस्तों ये चीज़ें मैंने जो आपको बताई हैं इनके बारे में आप सोचिए, समझिए, एक डिसीजन लीजिए. सिर्फ पैसा देख करके एक रॉन्ग कंट्री रॉन्ग कॉलेज सेलेक्ट करना सही नहीं है. वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे कि आपका बच्चे का फ्यूचर सक्सेसफुल रहे. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चे का इंटरेस्ट होना ज़रूरी है. आप स्टेप तभी लें जब बच्चा इंटरेस्टेड है. इफ़ योर चाइल्ड इज़ इंटरेस्टेड कि हाँ मुझे MBBS करना है, सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है, तो ही आप ये स्टेप लें, नहीं तो ना लें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगले वीडियो में आपको और मैं चीज़ें बताऊँगा. अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. नमस्कार.